शॉर्टकट ऐसा है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि सपोज करो एक कैपेसिटर है जिसके बीच में डिस्टेंस डी है और यहाँ पर एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के, ये फॉर्मूला किया था, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट तो ये आ गया। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव आता है उसमें ये कहता है कि देखो ये डी है, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डी है, इसमें मैं मल्टीपल स्लैब डाल रहा हूँ के वन ऑफ थिकनेस टी वन, एक स्लैब डाल रहा हूँ के टू ऑफ थिकनेस टी टू, ऐसे करते 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 के एन ऑफ थिकनेस टी एन नई कैपेसिटेंस बोलो क्या होगी, तो आप अपने रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे, जहाँ डी था डी रहेगा, वो तो चेंज नहीं है, जहाँ टी था एक स्लैब में टी था, अब यहाँ पर टी वन टी टू टी थ्री है तो स्लैब की थिकनेस ऐड कर देंगे टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, प्लस टी बाई के नहीं है, टी वन के वन है, टी टू के टू है, टी थ्री के थ्री है, टी एन के एन है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाइड फॉर्मूला हो जाएगा एन नंबर ऑफ स्लैब्स का। अब मुझे नहीं पता आपको पेपर में दो स्लैब दे या तीन दे, आप अपने रिजल्ट को मॉडिफाई कर लेना, बात ही खत्म हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मल्टीपल स्लैब में क्या फॉर्मूला लगेगा, क्लियर है यहाँ तक? तो मल्टीपल स्लैब में ये फॉर्मूला लगा लेना, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट हमने एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं करना, ये करेंगे। तो ये कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स हैं सीरीज पैरेलल की, फिर से एक बार आप डायग्राम पे ध्यान दें, इधर ना ध्यान दें, ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है एक्चुअल में, डायग्राम देखें। वो कहेगा कि मान लो ये कैपेसिटर है, आप कहोगे ये कैसा कैपेसिटर है, ये ऐसा कैपेसिटर, इसको ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं, ये देखो ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर, छत है इसकी और ये इसका फ्लोर है, ऐसे छत और फ्लोर ऐसे, ये है प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आपको ऐसा डायग्राम दिखता नहीं है, आपको एक लाइन दिखती है सिर्फ एक, पर एक्चुअल में ऐसे है। तो ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके अंदर आपने आधे पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया के, और आधा एयर में रख लिया या वैक्यूम में, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब ये कुल मिला के दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। पहला पैरेलल, अब देखो ना, टोटल एरिया ए था छत का, आधा आधा बट गया ए बाई टू ए बाई टू। ये जो प्लेट देख रहे हो, ये एक और ये एक कैपेसिटर है, इनके बीच में सेपरेशन कितनी है डी, और एरिया छत का कितना हो गया ए बाई टू। ऐसे इसका एरिया छत का कितना हो गया ए बाई टू, सेपरेशन डी है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी, और इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी। तो दो कैपेसिटेंस आ गई सी वन एंड सी टू। अब देखना ये सीरीज है या ये पैरेलल है। अब एक बात बताओ, ये मेटल की बनी हुई प्लेट है, ये वाली भी और ये वाली भी मेटल प्लेट्स हैं, तो अगर मान लो ये V1 पोटेंशियल पे पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, तो पूरी सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू मेटल के ऊपर क्या रहेगी सेम, और ऐसे ये V2 है तो पूरी सरफेस पे क्या रहेगा V2। तो इस प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस V2, और इसके अंदर भी कितना है V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये डायग्राम में दो कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन किस में पाया जाएगा इन पैरेलल। तो इसमें पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, दूसरे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो कर लोगे, इंपॉर्टेंट ये पहचान में आना कि पैरेलल है। यहां तक क्लियर है? पैरेलल इसलिए क्योंकि ये टर्मिनल देख रहे हो, मान लो ये V1 पोटेंशियल पे है, ये पूरा का पूरा मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो पूरा V1 हो जाएगा, और ऐसे ही ये V2 है, ये पूरे का पूरा V2 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स में V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स में V1 माइनस V2, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। लेकिन आ रहा हूँ इसके ऊपर, वापस आ रहा हूँ, अगर कनेक्शन ऐसे हो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि अगर मान लो ये प्लेट है जिसका एरिया ए है, ये प्लेट है इसका एरिया ए है, और बीच में मैंने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के वन एंड के टू डाल दिया, तो अब ये डी डी बाई टू डी बाई टू, लेकिन एरिया रिमेन्स सेम, हर प्लेट का एरिया सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन में इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी के वन एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम है बाई डी बाई टू, और इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी के टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिवाइडेड बाई डी बाई टू।
तो सी वन सी टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सी वन सी टू की वैल्यू आएगी। अब ये पैरेलल सीरीज में कैसे चेक करना है, देखो इमेजिन करो ये एक कैपेसिटर है ऐसे और ये एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है। इस पूरे का पोटेंशियल V1 रहेगा, इस पूरे का पोटेंशियल V2 रहेगा, इमेजिन कर लो। देखो ये मेटल की प्लेट नहीं है, पर चलो मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल V3 है, कुछ तो होएगा, V1 V2 थोड़ी नहीं होगा, वो नया पोटेंशियल होगा V3। इमेजिन करो ये डायग्राम ऐसा नहीं है, मैं इस डायग्राम को ऐसे चेंज कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मतलब वर्टिकल कर रहा हूँ, तो ये K1 है, ये K2 है, ये V1 है और ये V2 है, एक ही बात है, ऐसे चेंज कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, वर्टिकल कर दिया, तो ये वैल्यू क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अंदर इसको ये जो पोटेंशियल V1 है, जैसे ये V3 है और ये V2 है, ये भी लिख लिया। आप अपने मन में ऐसे सोच सकते हो कि ये एक कैपेसिटर है, ये V1 है, ये V3 है, एक कैपेसिटर है, फिर क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल है, इसकी कॉपी बना लो यहाँ पे V3 बना लो, और ये क्या है V2, ये देखो देखो ना V3 कॉमन है ना, फर्क नहीं पड़ रहा, V3 कॉमन है इन दोनों के साथ, तो दो कॉपी बना लो ना, कॉमन ही तो है, तो ये दोनों कैपेसिटर अब किस में है, एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड है, तो चेक करो ये कॉम्बिनेशन किस में पाया जाएगा, इन सीरीज। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। और एक और शॉर्टकट है, कुछ भी मत करो, लो फिर सबसे तगड़ा शॉर्टकट ये है, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बीच में डाला जिससे कि एरिया डिवाइड हो गया पर डी में फर्क नहीं पड़ा, फिर तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, डी डिवाइड हो गया, एरिया में फर्क नहीं पड़ा, तो सीरीज है। लो इससे और शॉर्टकट है ही नहीं, बात खत्म हो गई, देख लो यही है, हर में लगा के दिखा दूंगा। तो अगर एरिया डिवाइड हो रहा है किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आंसर होगा, अगर डी डिवाइड हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, खत्म। आएगा भी आगे आएगा, तीन चार का सब हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो इसमें फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू, नेक्स्ट की क्या होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला होता है, मैंने सॉल्व नहीं किया, C1 C2 को उठा के इन चारों वैल्यूज में पुट करके जो आंसर आएगा मार्क कर देना आंसर है, ठीक है यहां तक। फिर देखो ये बोलो किसमें कॉम्बिनेशन है, एरिया डिवाइड हो रहा है, पैरेलल है, बातें खत्म हो गई, खत्म, कोई क्या करेगा, V1 V2, एरिया डिवाइड हो रहा है तो सीधा पैरेलल है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, K1 A by 2 एप्सिलॉन नॉट by D, और दूसरे की K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D, क्योंकि किसमें कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, ऐड करके आंसर। तो समझ में आ रहा है कैसे सीधा आंसर मार्क करना है, जैसे ये देखो ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, सेम ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, क्यों, क्योंकि एरिया की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली सेम है, पर डी की वैल्यू 2D डिवाइड हो जाएगी डी एंड डी में, जब डी डिवाइड होगा तो सीरीज है, जब एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल है, बस बात ही खत्म हो गई। तो मतलब इस डायग्राम में और इन दो डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, तो समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे ये देख लो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है बोलो, इन सीरीज, क्योंकि एरिया की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली सेम है, डी डी बाई टू डी बाई टू सीरीज, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, क्योंकि एरिया ए बाई टू और ए बाई टू, डी की वैल्यू सब में रिमेन्स सेम। तो समझ में आ रहा है कैसे सीधा मार्क कर देना है, कुछ नहीं लॉजिक इसमें, बस लगाओ और आंसर खत्म करो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे V1 लिया V2 लिया कैसे सीरीज कैसे कैसे कुछ नहीं, बस यही है। जैसे ये रहा तीन डाल दिए, इसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो ये वैक्यूम होगा ऑब्वियसली, और ये मेटल है कॉपर, मेटल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी, पहले लेक्चर में किया था पर मैंने आंसर दिया नहीं था, ऐसा क्यों होता है, हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन की थी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डायलैक्ट्रिक के लिए के कैसे निकलते हैं मैंने बताया था, अगर ये मेटल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटल को डाल लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल क्या होता है, जीरो, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, तो के मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी, ये प्रूफ है इसका, हमने याद किया हुआ है, लेकिन आज ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि कंडक्टर्स के लिए के इन्फिनिटी क्यों होता है,
यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन है, ये तीन कैपेसिटर है, बोलो पैरेलल की सीरीज डी डिवाइड हो रहा है, सीरीज सीरीज में लगाएंगे तो पहले सी वन की वैल्यू बोलो क्या होगी, टू टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डिस्टेंस डी बाई थ्री। सी टू की वैल्यू क्या होगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डिस्टेंस, लेकिन के की वैल्यू यहां पर क्या है, इंफिनिटी। नेक्स्ट वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई थ्री, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में फॉर्मूला लगाया, मेटल वाले का सी टू क्या आएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ये टर्म उड़ जाएगी, निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि टाइप ऑफ कैपेसिटर में स्लैब्स अगर इस तरीके की आएंगी तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? ये एक डी बाई थ्री प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, तीन प्लेट्स हैं, है ना, लिखा भी हुआ है सी वन सी टू सी थ्री, ठीक। ये दोनों कैपेसिटर्स में डी डिवाइड हो रहा है, ये किसमें है, इन सीरीज। जो आंसर आएगा वो इसके साथ किसमें है, इन पैरेलल। तो पहले सी वन सी टू सी थ्री निकालो, इन दोनों को सीरीज में लगाओ, इसके साथ इन पैरेलल लगाओ, कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ गिवन कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इज ई, इंपॉर्टेंट। हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर कुछ भी ना रखा, वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो ये कह रहे हैं कि मैंने पूरा मटीरियल भर दिया डाइलेक्ट्रिक के साथ, अब ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब वैक्यूम नहीं मीडियम रहा, अब मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ई का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम है तो नॉट हो जाएगा, मीडियम है एप्सिलॉन एम हो जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अब एप्सिलॉन एम क्या होता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के साथ ये वैल्यू वो दे रहा है आपको, ई की वैल्यू दे रहा है आपको, वो के की वैल्यू भी दे रहा है आपसे, सिग्मा पूछ रहे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इंपॉर्टेंट इसमें यही है, बिना स्लैब के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, स्लैब के साथ सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम है, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चंस में बोलो ये सीरीज है कि पैरेलल है, इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया डी नी, तो ये पैरेलल है, तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय फोर डिवाइडेड बाय डी, और इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट थ्री ए बाय फोर बाय डी। दोनों पैरेलल में है, दोनों को ऐड करके आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन बहुत बड़ी समस्या है बुक्स में। मैं आपको एक काम दे रहा हूं, मैंने खुद करवाया कि अगर कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है ना, इसे पहले भी किया था भी हमने, मैंने क्या करवाया था, ये एरिया डिवाइड, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, और आंसर इसके साथ किसमें, सीरीज में, ऐसा होना चाहिए। एक इकलौता यही क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक चल नहीं रहा। आप सॉल्यूशन पढ़ के भी, सॉल्यूशन ठीक है, मुझे बस अगली बार तक बता देना ऐसा इसने क्यों किया, बस यही चैलेंज है, ओपन बुक चैलेंज है, ये सॉल्यूशन समझाना है आपने मेरे को, ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है जी। मैं बता देता हूँ हिंट, उसने क्या किया, वो कहता जी ऐसे नहीं करेंगे, दोनों पैरेलल करके सीरीज नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके साथ इस ऐसे करेंगे और इसके साथ ऐसा करेंगे, फिर कहेंगे ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में है, ऐसा इसने क्यों किया, बस आराम से अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा कुछ, अभी तुम्हें पुराना क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा, समय लो, ठीक है। और इकलौता वही क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है और किसी में नहीं है, यहां पे आओ, इस शीट पे आओ,
जैसे ये नए टाइप का कैपेसिटर है, ये देखो ये प्लेट्स हैं, ऐसी प्लेट्स हैं एक के अंदर एक, ये प्लेट्स हैं, तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है पी और क्यू में। इसकी टेक्निक समझो, इसकी टेक्निक में अगर मान लो पी वी वन पोटेंशियल पे है, तो मेटल की प्लेट, तो पूरी प्लेट पे पोटेंशियल वी वन वी वन वी वन हो जाएगा। अगर ये क्यू वी टू पोटेंशियल पे है, तो पूरी प्लेट के ऊपर पोटेंशियल वी टू वी टू वी टू और वी टू हो जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू है, ये दूसरा कैपेसिटर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू है, ये तीसरा कैपेसिटर नहीं है क्योंकि ये तो वी टू है, और वैसे भी एक ही प्लेट का कैपेसिटर कैसे बनेगा, है तो सिंगल प्लेट ही। तो इसमें कुल मिला के दो कैपेसिटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तो ये दो कैपेसिटर किस में माने जाएंगे, इन पैरेलल। तो आंसर 2 × ε₀ ए बाई डी आएगा। बुक में एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है, वो कहते हैं चलो ये वी वन पोटेंशियल है और मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वी टू पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो हर जगह नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का एक कैपेसिटर, नेगेटिव नेगेटिव का तो वैसे नहीं बनना, पॉजिटिव नेगेटिव का एक कैपेसिटर, तो कितने कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, तो दे आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आंसर ये रहा। ठीक, फिर से एक बार, फिर से इस बार ऐसी प्लेट्स हैं, तो ये पी है, पी मान लो वी वन पोटेंशियल पे है, तो अगर ये वी वन है तो पूरी प्लेट वी वन वी वन वी वन है, ये वी टू है तो पूरी प्लेट वी टू वी टू वी टू है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वन माइनस वी टू, कितने कैपेसिटर निकले, तीन, एक दो तीन, और इसने थोड़ा एक्स्ट्रा किया हुआ है, ये वी वन पोटेंशियल पे है, सारी प्लेट प्लस 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 कर दी इसने, ये नेगेटिव पे है, नेगेटिव नेगेटिव कर दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू वी वन माइनस वी टू वी वन माइनस वी टू, तो तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में है, आंसर 3 टाइम्स आएगा। मेरे को लगता है ये प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, तो अगर आप यहां से देखें तो भी पता लग रहा है कि यहां पर तीन कैपेसिटर्स हैं। आप कहेंगे और ऐसे कितने क्वेश्चंस आएंगे, दो तीन ही हैं बस, दो तीन गिने चुने क्वेश्चन है यही, और मज़े की बात पता है कि ज़्यादातर पैरल में निकलते हैं, सीरीज में एक आध क्वेश्चन निकलता निकलता ही नहीं है, तो ये पैरल बस ये देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, रुको, इसकी अनसॉल्व में आएगी। अभी एक कैपेसिटर लैडर टाइप है, ये देखो सीडी टाइप कैपेसिटर है, लैडर टाइप स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना होता है, ये मेटल की प्लेट है ये पिंक कलर की, और ये मेटल की प्लेट है ब्लैक कलर की, पैरल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरल प्लेट कैपेसिटर में ये एक कैपेसिटर है जिनके बीच में सेपरेशन डी है, ये प्लेट और ये प्लेट एक और कैपेसिटर बनाएगा जिनके बीच में सेपरेशन बी प्लस डी है, तीसरा कैपेसिटर ये और ये प्लेट का बनेगा, तो कुल मिला के कितने कैपेसिटर हुए, तीन, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें अगर ये प्लेट वी वन पोटेंशियल पे है तो पूरी की पूरी वी वन पे रहेगी, अगर ये प्लेट वी टू पे है तो पूरी की पूरी वी टू पे रहेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स में क्या होगा, वी वन माइनस वी टू, इनमें क्या होगा, वी वन माइनस वी टू, इनमें क्या होगा, वी वन माइनस वी टू, तो तीनों कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका डायग्राम रीड्रॉ किया है इसने, इन दो प्लेट्स का एक कैपेसिटर जिनके बीच में सेपरेशन डी है, इन दो प्लेट्स का एक और कैपेसिटर जिनकी सेपरेशन डी प्लस बी है, ये दो प्लेट्स का एक और कैपेसिटर जिनकी सेपरेशन डी प्लस बी प्लस बी है, तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो इसकी कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर, टोटल एरिया इस पिंक कलर की प्लेट का ए था, पर आपने तीन हिस्सों में इसको तोड़ लिया, तो ए बाई थ्री, ए बाई थ्री और ए बाई थ्री, तो यहां पर जो एरिया बनेगा वो बनेगा ए बाई थ्री, ए बाई थ्री एंड ए बाई थ्री, ऐसे बनेगा। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई डी, इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई डी प्लस बी, और इसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई डी प्लस टू बी, और क्योंकि तीनों पैरल में, तीनों को ऐड कर दिया, फिर मुझे पता नहीं सिंपलीफाई करके जो आंसर आया। मेथड समझ में आ रहा है, लैडर टाइप स्ट्रक्चर हमेशा पैरल में ही होगा शॉर्टकट, सीरीज में निकलेगा ही नहीं, कहीं सोचो वहां जाके सीरीज की पैरेलल, भाई पैरेलल, तो लैडर में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बनना है। ठीक है, यहां तक तो ये स्टाइल भी क्लियर है।
एक शॉर्टकट है, अगर दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है, ये हमने किया हुआ है दो प्लेट्स का, अगर मान लो तीन प्लेट्स हों कैपेसिटर की, फिर इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? हमने तीन प्लेट कैपेसिटर किया ही नहीं, तो फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये बन जाता है। तो हमारे पास अगर दो प्लेट्स हैं तो एन की जगह दो पुट कर दो, पुट करो, दो में से एक गया एक, ये आंसर आ गया। अगर आपके पास तीन प्लेट्स हैं तो थ्री माइनस वन टू, तो आंसर आएगा टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, वो पैरेलल में हो जाएंगे। अगर तीन प्लेट्स हैं तो ये दो कैपेसिटर बनेंगे इन पैरेलल, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो मतलब कई बुक सीधा लगाती हैं दो प्लेट्स हैं तो ये फॉर्मूला, तीन या चार या पांच प्लेट्स हैं तो ये फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो शॉर्टकट ही शॉर्टकट है, टाइप्स ही टाइप्स हैं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं।